एक गांव में एक किसान अपनी लालची पत्नी और आलसी बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार घसीटा, तुझे पता चला रमेश ने शादी कर ली? यार उसकी तो चांदी हो गई। तुझे पता है उसे 20 किल्ले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है। उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार राजेश, काश मुझे भी कोई ऐसी ही बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। फिर घसीटा अपने घर वापस आता है। आओ मेरे लाल, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा आजा, मैंने तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है रमेश को कितना सारा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसे ही किसी लड़की से शादी करवा दो ना माँ। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के जेवरात लाए। तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं। क्या पता मेरी होने वाली बहू ही मेरा सपना पूरा कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में झूठ और फरेब का सहारा लेकर लालची औरत अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इस घर की रानी हो, ठीक है? तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना। इसे कभी अपने मायके की याद ना सताए। हाँ माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई। बाबा ने मेरे लिए जो भी गहने बनवाए थे सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे, ये हमारे साथ कैसा धोखा हो गया। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे ही रह गए। अरे बेटा, तू इसे वापस इसके घर छोड़ा। ये तो अपने घर से खाली हाथ ही आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। ए बहू रानी, चल काम पर लग जा, ये सारे बर्तन तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। ए बहू रानी, ठीक से सफाई कर। तेरे बाप ने इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं अपने घर में कोई नौकरानी ही रख सकूं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारी सफाई कर दूंगी। सीता की सास और बेटा मिलकर ऐसे ही उसे सताते रहते हैं और बेचारी सीता बिना कुछ कहे सारे दुख झेलती रहती। क्यों रे बहू रानी, अब तो कितने दिन हो गए। तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा घसीटा, तू आज ही इसे इसके घर छोड़ के आ जा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर घसीटा अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ के लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। तभी, अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल कितने सुंदर हैं। अरे अरे, ये क्या है, आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फिर वह चुड़ैल सीता के अंदर घुस जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहां आता है। ले सीता, जल्दी पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। अबे ओ मूर्ख, देख नहीं रहा मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं। चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। घसीटा हैरान परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे अपने पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता घसीटा के बाल पकड़ लेती है। क्यों बे घसीटे, तूने बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है। चल चुपचाप मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे पैर धो देता हूँ। प्रियतम, अब आपके मायके चलें।
मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर आराम करना है। पता नहीं इसे क्या हो गया, अब मैंने इसे कुछ कहा तो ये सब गांव वालों के सामने मेरी पिटाई कर देगी। भलाई इसी में है कि अभी घर चलता हूँ, माँ ही इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। आ गया मेरा राजा बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ऐ बुढ़िया, चल मेरे लिए शरबत बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अरे, इसकी हिम्मत तो देखो। ऐ लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? ऐ बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छत से उल्टा टांग दूंगी। अरे मर गए रे मर गए। अरे बेटा, इसे क्या हो गया? ये गई तो गाय बनकर थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था, जितना अब करना पड़ रहा है। हे सीता, तेरी इतनी हिम्मत मेरी माँ से घर का काम करवाएगी? अबे घसीटा, इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा दोनों डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। वहाँ उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। हे बाबा, हमारी रक्षा करो, मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर वह तांत्रिक उनके साथ उनके घर जाता है। ए लड़की, कौन है तू? अभी बता, नहीं तो तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, मुझे लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है, वापस चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ए तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? इसे अभी के अभी बंद कर। आह आह, ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक, मुझे माफ कर दे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने के लिए नहीं आई थी, मैं तो इसे इन पापियों से बचाने के लिए आई थी। इसकी सास और पति मिलकर इसे सताते थे, मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर रुकी हुई थी। तांत्रिक ये सब सुनकर तांत्रिक मंत्र का जाप करना बंद कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये लोग तुम्हें सताते थे? जी बाबा, ये लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है। ए लालची औरत, तू इसी के लायक है, मैं तुम जैसी पापियों की कोई मदद नहीं करूँगा, तुम इसी के लायक हो। ये चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैंने इसे सीता के शरीर से निकाल दिया तो तुम फिर से इस भोली भाली लड़की को सताने लगोगी। नहीं नहीं बाबा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो और कृपा करके मेरी पत्नी के शरीर को छोड़ दो, हम फिर कभी भी इसे नहीं सताएंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल सीता के शरीर को छोड़कर चली जाती है और वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी आर रेस, लव शुड बी आर रिलीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।